जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश सहनी आज लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण में समास, और यह हिंदी व्याकरण भी पूछता है समास क्लास 10th के बिहार बोर्ड में। और बिहार बोर्ड में इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं कि समास पहचानने के लिए तो कौन सा समास है, और कौन सा समास में कौन सा पद प्रधान होते हैं, और कौन सा समास में कौन सा संज्ञा होता है, कौन विशेषण होता है, और कौन सा इसमें कारक होता है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे। इसमें हम लोग जानते हैं कि समास का इंट्रोडक्शन क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास का परिभाषा क्या है, समास का मतलब क्या चीज होता है। देखिए लिखा हुआ ऊपर में कि समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है कि बहुत ही कम शब्दों में किसी का उत्तर दे देना, है ना। यही लिखा हुआ है, कम शब्दों में अधिक बातें कहना, होता है ना। जिससे मान लेते मुहावरा रहता है, होता था ना, चले ना हो गाने में टेढ़ मुहावरा हुआ, तो मुहावरा का मतलब क्या चीज होता है, तो उस तरह से होता है कम शब्द में हम जो अधिक बातें कह देते हैं किसी को, कहते ना। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। और संक्षेप का मतलब होता है कि कम शब्दों में अधिक बातें कहना, सच्ची कहना, कम शब्दों में अधिक बातें कहना। नहीं बोलते हैं, जैसे मान लेते बोलते हैं राजा का बेटा, तो बोलते हैं राजपुत्र, बोलते ना है? उस तरह से देखते हैं, कोई बोलता है हम समझ रहे हैं, तू तार पर ठेला मार रहा है, यानी क्या चाहिए, कम शब्दों में अधिक बातें कह देते ना है, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारा बात आपको मिलने के मिलेगा घर पे। तीसरा क्या होता है, यानी कि समास ये होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप, और संक्षेप का मतलब होता है कम शब्दों में किसी को अधिक कह देना, किसी को अधिक सुना देना। नहीं देखते जैसे आप एक गलती करते हैं तो घर पर आप अधिक बात सुन लेते हैं, है ना। और एक से गाड़ी भी सुनते होंगे जो ना तो अगल बगल में पड़ोस में गा देते हैं। फिर क्या होता है समास, तो समास का मतलब हम लोग समाज के संक्षेप होता है, और इसका मतलब यह है कि कम शब्दों में किसी को बताना, और किसी को जो है कोई शब्द में ज्ञान देना या ग्रहण करना। जैसे मान लेते देखिए, और समास का जो परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पद, देखिए दो या दो से अधिक पदों का जो शब्द पद है, शब्दों है, शब्द भी है और क्या चीज है, पद भी है। तो पदों या शब्दों के संयोग से जो बनता है शब्द, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग मतलब मिलना, क्या होता है, मिलना। तो दो या दो से अधिक रहेंगे, ये क्या चीज, पद है। हम लोग पढ़े थे संधि में, पढ़े थे ना संधि में क्या था, दही जल्दी संधि परिभाषा क्या था, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, है ना। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो उत्पत्ति होता है, जो विकास उत्पन्न होता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो यहाँ क्या बनता है, दो या दो से अधिक पद मिलता है, क्या मिलता है, पद, क्या मिलता है, पद। आप सुन में इसे मान लेते बोलते हैं दाल भात, बोलते ना है? दाल भात, भाई बहन, जब क्या चीज, ऐसा समास है, क्या है, समास। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, तो यह क्या होता है, समास होता है। क्या होता है, समास होता है। देखिए लिखा हुआ, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संयोग से जो शब्द बनते हैं, संयोग को हम लोग समास कहते हैं। जैसे लिखा गया, लिखा हुआ देश का भक्त, क्या है, देशभक्त, उसे नहीं बोलते देशभक्त, बोल जाते हैं कब देशभक्त है, तो क्या चाहिए, देश का भक्त है, तो ना क्या होता है, देशभक्त। जैसे राजा का पुत्र है, तो राज क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये समास के अंतर्गत है। हम इसको आगे देखेंगे कौन सा समास किस तरह से क्या होते हैं, विग्रह होते हैं। जैसे बोलते हैं पंचमुखी, जगह पांच को क्या चीज होता है, मुख, पता ना है, पंचमुखी, ये क्या होता है, एक तरह से सभी समास है। तो देश का भक्त जो क्या चीज है, का विभक्ति ना है, तो क्या होता है, जैसे समास के हम जोड़ते हैं का हट जाता है, क्या हो जाता है, देशभक्त, ये क्या होता है, लुप्त हो जाता है, क्या होता है, लुप्त हो जाता है। फिर राजा का पुत्र, यहाँ भी क्या क्या चीज लुप्त हो जाता है, और राजपुत्र हो जाता है, तो एक एक समासी है, क्या है, समासी है। तेरा को लिखा हुआ था दो या दो से अधिक पद या शब्द के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द बनता है, उसे क्या होता है, समास होता है। और समास में देखें, अगर हम जाने कौन सा समास कैसे है, इसे जान लेते समास, यानी कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद है, छह भेद है, कितने हैं, छह। पहला है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में भी क्या होता है, इसमें भी प्रकार होता है, हम आगे बताएंगे। फिर क्या चाहिए, कर्मधारय समास है, क्या चाहिए, कर्मधारय समास। और है बहुव्रीहि समास,
कर्णधारय समास, बहुव्रीही समास, एक है धनवदौ समास, और क्या चीज है अव्ययी भाव समास, और चौथा है छठा क्या चीज है द्विगु समास। इस समास को देखेंगे कि जो कौन समास में किसका बोध होता है, कौन समास में कौन सा पद प्रधान होता है, हम लोग आगे देखेंगे। अगर समास में किसी दिक्कत पूछ सकते हैं, समास नहीं समझ, समास मतलब होता है कि कम शब्दों में किसी को व्याख्या करना, वर्णन करना, ये क्या होता है संक्षेप होता है, यानी समास जुड़ता है। ये कहता है कि समास को विग्रह करें, तो समास विग्रह मतलब क्या होता है, यानी कि अलग अलग करना है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है देशभक्त, आपको एग्जाम पूछे बताइए देशभक्त का जो है विग्रह कैसे करिएगा, देश क्या हो जाएगा, देश का भक्त हो गया, यानी विग्रह मतलब अलग अलग करना, जो भी शब्द जुड़े रहते हैं उसे अलग अलग करना ही होता है, देशभक्त कहलाता है, और ये सब समास विग्रह कहलाता है। ये समास का प्रकार तो छह प्रकार है, हम आगे देखते हैं। इसमें समास पहला जो क्या चीज है तत्पुरुष समास, इसके बारे में हम लोग अध्ययन अभी करते हैं, जो नहीं उतारे उतार लीजिए, जिसको नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। जो दिक्कत चलिए आगे का हम देखते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष से एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे आता है। तत्पुरुष समास होता है जिस समास के जो अंतिम पद, या बोल सकते उत्तर पद, अंतिम पद, जिस समास के अंतिम पद, दो पद मिला हुआ ना, देखिए राजा का पुत्र है ना, राजा पुत्र हो गया, देखिए जो राजपुत्र है दो शब्द है ना, पहला राज है उसके बाद क्या चाहिए पुत्र है, तो जिस समास के अंतिम पद यानी कि अर्थात में क्या होता है उत्तर पद, यानी कि अंतिम पद भी कह सकते हैं और उत्तर पद भी कह सकते हैं, तो जिसमें अंतिम क्या होता है प्रधान होता है, प्रधान मतलब उसका अर्थ निकलता है, जिसे राज पुत्र है तो राजा का पुत्र न हो गया यहाँ पर, ये तो अगर ये प्रधान है पुत्र, ठीक है, और जिस समास के अंतिम पद अर्थात उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाओगे एग्जाम में ये कि बताइए कौन समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है, तो कौन समास के तत्पुरुष समास डायरेक्ट आया हुआ है, कि कौन समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर जो पद है ना, देखिएगा क्वेश्चन में पलट के मिलेगा आपको, किस समास के उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होता है, डायरेक्ट इस तरह से आता है, या तो आपके दे देगा क्या चीज में एग्जाम्पल में लिख देगा राजपुत्र, राजपुत्र कौन सा समास है, चार ऑप्शन में रहेगा उसमें तत्पुरुष भी रहेगा, अगर माने तो आपको ये रहेगा ध्यान में कि राजपुत्र है जिसमें कौन प्रधान है, अंतिम पद प्रधान लग रहा है, तो कौन समास है तत्पुरुष समास। और इसमें एक और नियम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ दानवीर है, दान जो देता है दान में भी बोलते ना दानवीर, तो दान दे वाला क्या होता है वीर, जो पैसे पे देता वीर दे रहा है, तो प्रधान कौन हुआ वीर हुआ, तो वीर दे रहा है इसमें मुख्य रूप से, ठीक क्या चाहिए चिड़ी मार, देखिए चिड़ी मार है के पीछे क्या चाहिए मारने वाले है, तो चिड़िया कौन मार रहा है व्यक्ति मार रहा है, तो मारने वाला क्या चाहिए यहाँ पर इसे वाक में प्रधान कौन है मारने वाला, तो चिड़िया को मारने वाला। यहाँ हस्तलिपि है यानी कि हाथ से लिखा हुआ जो लिखते ना हाथ से लिखना, लिपि मतलब समझते ना लिपि जो लिखाता है थी वाला एग्जाम्पल में देवनागरी लिपि से रोमन लिपि, ये लिपि हो गया। फिर देखिए इसमें एक और आता है, बताइए कौन से कारक, देखिए इसमें दो कारक छोड़ता है, कर्ता और संबोधन छोड़ देना, कर्ता संबोधन छोड़ के बाकी कारक छह गुना है, टोटल कारक कितने होते हैं आठ, तो दो कारक छोड़ दीजिए, कर्ता छोड़ दीजिए और संबोधन छोड़ दीजिए, तो क्यों कारक बच गया छह कारक, तो तत्पुरुष में छह कारक जीते, छह कारक में होता है क्या चाहिए कौन समास होता है तत्पुरुष समास होता है, तो कर्म तत्पुरुष यानी कर्म क्या चाहिए कारक ना है, तो कर्ता का छोड़ देना है संबोधन का छोड़कर से सभी कारकों में क्या होती है विभक्ति में तत्पुरुष समास होता है, जितने विभक्ति लगते हैं किसको छोड़ देना है कर्ता को छोड़ देना है और संबोधन छोड़ देना है, बाकी कितना छह बच गया, कितना बच गया तो छह में कारक में कौन समास होता है तत्पुरुष समास होता है। तेरे को जहाँ आता है बताइए तत्पुरुष समास में कौन कौन से कारक छोड़ दिया जाता है, छोड़कर समझते सभी में समास होता है, तो कर्ता छोड़ देना है और किसको संबोधन छोड़ देना है। अब यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ कर्म तत्पुरुष है लिखा हुआ, देखिए कर्म तत्पुरुष मान लेते एग्जाम्पल लिखा हुआ क्या चीज में है शत्रुधन है, क्या चीज है शत्रुधन, क्या चीज में यहाँ लगा विभक्ति लगा हुआ है, को लगा हुआ विभक्ति लगा हुआ ना है, देखिए विभक्ति है तो शत्रुधन शत्रु को मारने वाला, शत्रुधन समझते ना है शत्रु मतलब दुश्मन, तो दुश्मन को मारने वाला हो गया शत्रुधन। यशोदा, यशोदा सुना है यशोती मैया के गाना सुना ना है, यश को देने वाला क्या होती है
यशोदा होती है। तो कर्णपुर बीच में क्या चीज दोनों में है, कौन विभक्त लगा हुआ है, कर्म का विभक्ति लगा हुआ है, जब लिखा विभक्ति के अर्थ में है ना रत होता है। फिर क्या चीज है, करण तत्पुरुष है, क्या चीज है, सुने कर्ता ने कर्म को करण से है ना, देखिए से लगा हुआ ना है, तो करण का विभक्ति लगेगा, क्या लगेगा, करण का विभक्ति। जैसे मन मस्त, मन से मस्त बोलते ना है आप कैसे हैं, तो मन से मस्त है बोलता है सब, या आपसे कोई पूछता था मन से मस्त, मन से मस्त हो गया, मन मस्त हो गया। फिर क्या चीज है, रस भरा, रस से भरा हुआ, जैसे कोई हो गया मिठाई ले सकते हैं है ना, कोई फूल ले सकते हैं है ना, चाहे आप और कुछ ले सकते हैं, हमारा रस भरी के छुई जो मरी, ये रस भरी हो सकता है। करण तत्पुरुष में आते हैं, कुछ लाते हैं करण तत्पुरुष में। फिर क्या चीज है, संप्रदान है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, का के लिए, देखिए का के लिए आता ना है विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, देखिए लिखा हुआ जेब खर्च, क्या हो गया, जेब के लिए खर्च चाहिए ना, अगर जाते हैं कहीं पर घूम रहे हैं मेला बाजार में तो जेब खर्च होता है। फिर क्या चीज है, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आले, यानी विद्यालय के लिए जाते हैं, विद्या लेने के लिए ना, तो विद्यालय कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। शत्रुधन में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। यशोदा में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। मनमस्त में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। रस भरा में कौन समास है, रस से भरा समास है। फिर जेब खर्चा में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। फिर क्या चीज, विद्यालय कौन है, क्या चीज द्वितीय से प्रकार ना है, तो आपको ये सब नहीं पूछेगा, ये सब आगे एग्जाम दीजिएगा ना, इसे कंपटीशन में से पूछता है, मगर इसको समझने के लिए बता दिया गया आपसे, इसमें कोई भी एग्जाम्पल रह सकता है, आप लिखा रहेगा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तो आपको टिक लगाने के लिए रहता है। तो तत्पुरुष पकड़ लीजिए, कैसे पकड़ाएगा, जिस समास के अंतिम पद रहेगा यानी उत्तर पद प्रधान रहेगा, अंतिम पद देखेंगे शत्रुधन है, तो अंतिम पद देखेंगे कौन है इसमें प्रधान है। ठीक क्या चीज है यहाँ पर, एक और पहचानने का भी तरीका कि कर्ता का विभक्ति छोड़ देना है, कर्ता विभक्ति नहीं रखना, नहीं संबोधन का रखना है, नहीं बोलता है हे राम, संबोधन होता है हे राम हे सीते, ये संबोधन होता है। तो कर्ता और क्या करना है, ये कर्म नहीं, संबोधन ना छोड़ देना है, बाकी जितने छह विभक्ति है सब विभक्ति रहेंगे, और तीन विभक्ति इसका और बताएंगे, तीन को लिखना भी है, तीन और बच रहा, इसको आगे देखते हैं, इसको उतारिए, नहीं उतारे जो देखा, तीन कारक हम लोग देखे, अब तीन कारक बच गया, इसको देख लेते हैं, क्या चाहिए, अपदान तत्पुरुष है, कौन सा है, अपदान, तो अपदान की विभक्ति क्या होता है बताइए, जिसमें से रहता है, क्या रहता है, से, देखिए क्या है, पद भ्रष्ट है, पद से क्या होता है, भ्रष्ट, क्या होता है, पद से भ्रष्ट, यानी मान लेते हैं कोई जो है किसी का जॉब रहता है, नहीं बोलता उसका पद भ्रष्ट है, बोलते ना है काम सही से नहीं करता है, तो बोलते पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट में कौन सा पुरुष देती है, समाज तत्पुरुष है, क्या, तत्पुरुष। ठीक क्या चाहिए, रोग मुक्त है, तो रोग मुक्त है, तो रोग से क्या है, मुक्त है, यानी उसको रोग नहीं होगा, क्या होगा, रोग नहीं, हाँ, तो रोग से मुक्त है, यानी अलग का भाव करेगा तो व्यक्त करता है। जैसे मान लेते हैं कि बोलता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से लगा हुआ ना है, यानी कि पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता भी जुटेगा, यानी अलग हो जाता है, तो अवदान ने पद से भ्रष्ट है, रोग मुक्त है, रोग से मुक्त है। फिर क्या चाहिए, संबंध है, तत्पुरुष है, क्या चाहिए, संबंध बताता है, अरे काका के इसमें प्रयोग करें किसके लिए, संबंध बताने के लिए, किसके लिए, संबंध, जैसे सभापति होता है, समझ लेते हैं कि आप कहीं पर जाते हैं मीटिंग वीटिंग में, तो पहले क्या होता है, सभापति का चुनाव होता है, कि जो सभापति कहेंगे उसके बातों को मानी जाएगी, और उसी के अनुसार जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, कहीं भी मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं सभा में, तो एक सभापति होता है, पूछेगा सभापति महोदय हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो कहेंगे यस, तो बोलिए, तो सभापति, सभा के पति, अभी नहीं है कि सभा का पति निकल यहाँ पर, सभापति है, क्या चाहिए, फिर यानी कन्यादान, क्या है, कन्यादान, कन्या का दान करते हैं, वो हम सुबह सुबह दान होता है, सुबह सवेरे दान, जब शादी ब्याह हो जाता है तो पहले होता है, सही है, तो कन्यादान होता है, तो कन्या का दान करना कन्यादान हो गया। ठीक क्या चाहिए, प्रेम में मगन, प्रेम से क्या चाहिए, मगन हो जाता है, प्रेम में, जैसे मान लो पढ़ाई से आपको, पढ़ाई से हो जाएगा आपको, अदर लाइन से प्यार है तो अदर लाइन से प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम में मग्न हो जाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में खाते हैं पीते हैं नहाते स्नान करते हैं खेलते कूदते हैं, कि मन नहीं लगता है, ये प्रेम मगन है, हर चीज में पढ़ाई करते हो पढ़ने की मन करेगा,
घूमते तक घूमने का मन ही करेगा, मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने ही का मन करेगा, है ना। क्यों गाड़ी देते तो गाड़ी देने का ही मन करेगा। ये क्या होता है, प्रेम में मन हो जाते हैं, क्यों जाते हैं। अब क्या चाहिए, आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर, यानी कि अपने खुद पर निर्भर। मोदी जी का है नारा आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत में रहना क्या रहना, अपने पर निर्भर रहिए, है ना। ठीक है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, तत् अभी जोड़ने पड़े थे, क्या चीज तत्पुरुष समास का ये क्या है प्रकार था, और इससे जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आएगा भी आगे, हम लोग पढ़ेंगे कल जो समास बच गया, पांच बच गया उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।